हाई ऑल दिस इज अंजली एंड वेलकम टू माई चैनल सो आज हम करेंगे एक और प्रोजेक्ट फॉर क्लास ट्वेल्व सी बी एस ई दैर लग्जरी कार रेंटल सिस्टम सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंक्शन में ओकेजन्स uh, पे शादियों पर लग्ज़री कार्स बुक कराई जाती हैं या जब किसी के गेस्ट आ रहे होते हैं तो उनको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए भी, भी बुक लग्जरी कार्स सो इसके लिए भी तो एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो सकती है जहाँ पर हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लग्जरी कार्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से हमारे मेम्बर्स हैं जो हमसे लग्जरी कार्स बुक करते हैं उनका पर डे रेंट कितना होगा टोटल बिल कितना आएगा वो सब भी आप एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज कर सकते हो तो एग्जैक्टली exactly वही हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं वी आर मेकिंग द सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड वी विल बी यूजिंग सी एस वी फाइल्स एज द बैकेट राइट सो ये जो है इसमें हम डेटा फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे डेटा फ्रेम्स यूज करते हुए वी विल बी राइटिंग द डेटा इन टू दी एस वी फाइल्स एंड रीडिंग द डेटा फ्रॉम द सी एस वी फाइल्स तो जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो आपको अपना फ्रंट एंड बताना है कि पाइथन है बैकेट में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एस क्यू एल में टेबल्स हैं अगर आपका बैकेट एस क्यू एल में है अगर आप फ़ाइल हैंडलिंग से कर रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी फ़ाइल्स हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम जो फाइल्स यूज़ करने वाले हैं उसमें से एक तो हमारे पास है यूज़र्स डॉट सी एस वी जो आप ये देख सकते हो इसमें हमने यूज़र आई डी यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर किया हुआ है जिसकी हेल्प से लॉग इन होगा हम नए यूज़र्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास कार्स डॉट सी एस वी रहेगी जिसमें ये सारी लग्जरी कार्स की डिटेल्स हैं ये मैनुअली भी हम एंटर कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी एंटर कर सकते हैं जिसमें कार नंबर कार का नाम ब्रांड ब्रांच फ्यूल कौन सा यूज़ होता है कॉस्ट कैटेगरी ये सब स्टोर है जो बुकिंग हो जाएंगी उन कार्स की बुकिंग की डिटेल्स भी स्टोर होंगी कि कार जो बुक है वो कब बुक हुई किस मेम्बर के लिए बुक हुई एंड वी विल बी स्टोरिंग द डेटा अबाउट दी मेंबर्स कि हमारे पास मेंबर्स कौन कौन हैं तो members.csv डॉट सी एस वी इज देयर तो हमारे पास मेंबर्स डॉट सी एस वी है हमारे पास कार्स डॉट सी एस वी है कार्स booked.csv डॉट सी एस वी है एंड यूजर्स डॉट सी एस वी है तो चार सी एस वी फाइल्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं एंड दिस इज़ आर प्रोजेक्ट फाइल ठीक है अब आप कहोगे कि मैम आप ये कोड तो दिखा दोगे चलो रन करके अब हमें अपने पास रन करना होगा तो हम कैसे करेंगे हाउ आर वी गोइंग टू टाइप दिस मच ऑफ कोड सो बेटा आपको ये सारा कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है ये कोड मैं आपको गिटहब लाइब्रेरी में भी प्रोवाइड कर दूंगी और ड्राइव में भी और अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि इसको डाउनलोड कैसे करना है लिंक्स कहाँ मिलेंगे सो कीप वॉचिंग वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड कि ये रन कैसे होता है क्योंकि देखो वाइवा में सिर्फ आपने प्रोजेक्ट फाइल प्रिंट करके सबमिट कर दी उससे काम नहीं होता वाइवा में आपसे प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो यू शुड नो कि आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और उसके लिए जो मैं वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बहुत ही जरूरी है राइट right? तो हमने ये सारे फंक्शन बनाए हुए डेफ़ एड यूज़र इसका काम है नया यूज़र ऐड करना डेफ डिलीट यूज़र मतलब हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया यूजर को डिलीट करने के लिए ऐसे ही न्यू कार ऐड करने के लिए बनाया है सर्च कार के लिए बनाया है डिलीट कार के लिए तो एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये कोड क्या है तो ये कोड क्या है दीज ऑल आर द फंक्शन विच वी हैव डिफाइंड फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट टास्क तो अलग अलग काम करने के लिए हमने सारे फंक्शन अलग अलग से बना दिए ताकि हम उनको नीचे ऑप्शनस में से सीधे कॉल कर सकें ठीक है और ये आप स्क्रॉल करते जाओगे तो बहुत लंबा कोड है ये बट नीचे आपके पास मेन आएगा जहाँ से हम एक्चुअली में शुरू कर रहे हैं ये हमारा मेन्यू है लग्जरी कार रेंटल का हम ये सारी ऑप्शंस यूजर को दिखा रहे हैं टू यूज़र डिलीट अ यूजर ऐड अ न्यू कार सर्च फॉर अ कार डिलीट अ कार शो ऑल कार्स अ न्यू मेमर ऑल दीज ऑप्शन विल बी तैर ठीक है तो जब आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी मैं ऑलरेडी एक सैम्पल फाइल आप लोगों को दिखा चुकी हूँ तो सारी फाइल्स वैसे ही होती हैं आपको अपने प्रोजेक्ट की वर्किंग एक्सप्लेन करनी होती है कोड लगाना होता है और कोड लगाने के बाद आपको ये जो आउटपुट स्क्रीन्स आ रही हैं इसके स्क्रीन शॉट्स लगाने होते हैं आउटपुट स्क्रीन्स कैसे आएंगी जब हम इसको रन करेंगे सो इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस तो ये मेरे पास आई है आउटपुट स्क्रीन ठीक है तो अब आपको क्या करना है इन आउटपुट स्क्रीन्स के जैसे जैसे आप करते जाओगे लाइक like मेरे पास ये ऑलरेडी यूज़र है आपको मैंने अभी फाइल दिखाई आपने देखा भी होगा उसमें ये एंट्री थी सो आई विल एंटर दिस तो ये जो मैंने एंटर किया ये वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है तो ही आपका सॉफ्टवेयर आगे ऑप्शंस दिखाएगा अगर नहीं है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोल देगा कि एक्सेस डिनाइड ठीक है इफ़ यू वांट टू चेक फॉर एक्सेस डिनाइड लेट्स से मैं वन टू फोर कर देती हूँ तो वो कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड थैंक्स फॉर विजिटिंग लग्जरी कार रेंटल्स ठीक है तो ये तो नहीं चला तो इसका अब आप क्या करोगे एक स्क्रीन ले लोगे तो आप ऐसे स्क्रीन शॉट ले लोगे और उस स्क्रीन को आपको अपना क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है और ये जो इसका स्क्रीन बनेगा ये आपको अपनी फाइल में लगाना है ठीक है ऐसे कर करके आप सारी स्क्रीनस के ले सकते हो आप खुद से रन कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट नहीं तो मैं तो यहाँ रन कर ही रही हूँ आप यहाँ से भी स्क्रीन ले सकते हो ठीक है सो दिस इज हाउ वी टेक दिस ये हो गई एक चीज हमारे पास अब इसके बाद क्या है हम दोबारा से रन करते हैं ऑब्वियसली अभी तो पासवर्ड ही गलत हो गया था तो हम दोबारा से रन करेंगे दोबारा से रन करेंगे मैंने एंटर किया ए वन यूज़र नेम है मनोज पासवर्ड है मेरे पास वन टू थ्री सो आई प्रेस एंटर ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर आ रही हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर अगर मैं ऑलरेडी शो करना चाहूँ कौन कौन सी कार्स हैं तो आप सिक्स प्रेस करोगे एंड इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ़ कार्स तो आप यहाँ पे एंटर योर चॉइस सिक्स है तो आप ये दिखा सकते हो कि ऐसे कार्स की लिस्ट आ जाएगी सो so, ये सारी लग्जरी कार्स हमारे पास हैं हमारे पास ऑलरेडी एक्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तो अगर आपको मेंबर्स देखने हो तो आप शो ऑल मेंबर्स करोगे टेन पे तो ये आपको दिखा देगा कि हमारे पास मेंबर्स कौन कौन है ठीक है अब क्या करना है आपको कार बुक करानी है सो बुक कार पर जाना है तो आप इलेवन पर जाओगे आप यहाँ पर नई कार भी ऐड कर सकते हो कार डिलीट भी कर सकते हो यूज़र ऐड कर सकते हो नया मेंबर ऐड कर सकते हो मेंबर को सर्च कर सकते हो सो यू कैन परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशन ऑन यूज़र कार एंड मेंबर उसके बाद जो मेन काम है वो यहाँ से शुरू होता है बुक अ कार रिटर्न अ कार शो ऑल बुक डिलीट अ बुकड कार एंड टू व्यू योर चार्स ना आई वॉन्ट टू बुक अ कार सो मेरे को कौन सी कार बुक करनी है पहले हम वो देख लेते हैं लेट्स आई वॉन्ट टू बुक बी एम डब्ल्यू एम फाइव तो मुझे एम फाइव बुक करनी है और कौन से मेबर के लिए बुक करनी है लेट्स ए माई अंक के लिए ठीक है so, सो मैंने ऑप्शन प्रेस की इलेवन एंड बुक करनी है मुझे कौन सी कार एम फाइव तो मैंने एम फाइव बुक की किसके लिए मयंक के लिए ठीक है सो नो सच मेंबर फाउंड अच्छा मे बी उसके नाम के पहले कुछ स्पेसेस होंगे तो हम किसी और के लिए कर लेते हैं लेट्स आई गो फॉर इलेवन एंड आई गो फॉर एम फाइव इसलिए जब आप एंटर करो तो यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ दिस थिंग कि आप एक्स्ट्रा स्पेसेस ना दो कहीं पर सो so, जैसे मैंने अब दे दिया तो मेंबर भी है कार भी है अगर कार नहीं होगी अगर आपने ऐसी कोई कार का नाम डाला है जो नहीं है तो वो कहेगा कि इन ऐसी कोई कार हमारे पास नहीं है जैसे अभी उसने बोला कि ऐसा कोई मेंबर हमारे पास नहीं है तो आज हमारे पास तारीख है छब्बीस बारह दो हज़ार बाईस आन आई वॉन्ट टू बुक इट फॉर टू डेज़ तो अब वो आपके पास बिल जनरेट करके दिखा देगा कि कार रेंटेड है कौन सी एम कौन से मेम्बर को कॉस्ट पर डे इज़ ट्वेंटी तो इतने दिन के लिए मैंने कार बुक कराई है मेरे को टोटल पड़ेंगे फिफ्टी एट हंड्रेड दो दिन के एंड दैट इज़ इट नाउ प्रेस सी टू कंटिन्यू सो हम यहाँ पे आगे जा सकते हैं तो ऐसे करके आप अपनी सारी ऑप्शंस पे काम कर सकते हो और जब आपका सारा काम हो जाए तो आप सिक्सटीन से एग्जिट कर सकते हो सो डिलीट अ कार शो अ कार सर्च अ कार ये सब पॉसिबल है इफ़ आई वॉन्ट टू सर्च फॉर अ कार एंड आई प्रेस एम तो वो मुझे सिर्फ एम फाइव कार की डिटेल्स दिखा देगा ऐसे ही मैं उसमें कोई भी और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ तो इस प्रोग्राम को आप खुद से भी रन कर सकते हैं ये फ़ाइल अब आपको कहाँ से मिलेगी ये फाइल देखिए आपको कहाँ से मिलेगी ये जो पूरी कोड की फाइल है और इसके साथ जो मैंने आपको चार सी एस वी फाइल्स दिखाई थी ये फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी आपको दो जगह पर मिल सकती है एक किट पर और दूसरा ये आपको मिल जाएगी मेरी ड्राइव में तो वो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताती हूँ बट उससे पहले अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और आप मुझसे रेगुलर लाइव पढ़ना चाहते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स जो कि अभी बस आ ही गए है ना सो so, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल है अन अकेडमी पे इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप यहाँ से जाकर मुझे फॉलो करेंगे सो हेयर विल बी अ फॉलो बटन तो आप उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें एंड इट इज़ एप्सोल्यूटली फ्री टू फॉलो अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं वहाँ पर लाइव क्लासेस लूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर प्रिपरेशन जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराऊंगी सैम्पल पेपर्स कराऊंगी सो अलॉट मोर विल बी देयर तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर अभी चल रहा है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मतलब पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ चार हजार नौ सौ रुपये में आपको अन अकेडमी की पेड सब्सक्रिप्शन मिल रही है और उसके साथ सी यू सी ई टी एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है आपकी उसके लिए हमारे पास एक अलग गोल है अन अकेडमी पे और वो आपको मात्र फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ में मिलेगा फॉर सिक्स मंथ सब्सक्रिप्शन तो ये जो कॉम्बो है इसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है कंसिडर सिर्फ आज और कल का दिन ये ऑफ़र है उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा सो so आप मेरा नाम अंजलि लूथरा या फिर कोड ए एल कोडर्स यूज कर सकते हैं इन दी रेफरल कोड जब आप इस सब्सक्रिप्शन को लेने जाएंगे एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तो यहाँ से आप मुझसे रेगुलर प्रॉपर लाइव uh, बैचेस में पढ़ सकते हो और ये जो फीस है ये सिर्फ सी एस या आई पी की नहीं है ये फीस ऑल टुगेदर सारे सब्जेक्ट्स की है आपके पास जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू पढ़ाए जाएंगे सो कंप्लीट क्लास ट्वेल्थ का सब्सक्रिप्शन है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे डाउट क्लियरिंग सेशनस आप यहाँ पर एजुकेटर से बात करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो सो ऑल दीज बेनिफिट्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हेर राइट सो गो है चेकआउट दिस ऑप्शन बाकी मैं आपको अपनी ड्राइव का लिंक दे रही हूँ ये सी बी एस ई प्रोजेक्ट्स करके मैंने फोल्डर बनाया है इसका मैं शेयरेबल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी यहाँ से आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं या फिर मेरी गिथह लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो मेरा गिथब जो है दैट इज़ विद द नेम ऑफ ए ई सी ठीक है ये जो है ठीक है इसमें आपके पास ए ई सी टेक के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट्स करके जो गिथह लाइब्रेरी होगी जैसे ये स्वीट शॉप वाला ऐड हुआ हुआ है अभी मैं ये वाला भी ऐड कर दूँगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप यहाँ से कोड ऐसे ओपन करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू कैन डाउनलोड इट ईदर फ्रॉम द ड्राइव और फ्रॉम द किटअप जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगता है सो दैट इज़ इट अबाउट दिस और एक काम और जब आप इसकी फाइल बना लोगे ना सो इफ़ यू वॉन्ट कि जैसे मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर रही हूँ सो यू शुड ऑल्सो वॉलिटियर फॉर इट आप जब फाइल बनाओ तो आप मुझे टेलीग्राम पर फाइल भेज सकते हो ताकि आई कैन शेयर विद अदर स्टूडेंट्स उनको भी हेल्प हो जाए ठीक है एंड जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है दिस वॉज मेड बाय कीर्ति वर्मा कृति वर्मा ठीक है उसने बनाया था वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु यूज टू स्टडी लाइव फ्रॉम मी राइट तो ऐसे ही अगर आप भी मुझे कोई खुद का प्रोजेक्ट बनाकर शेयर करते हो या आप उसकी फाइल बना के कर शेयर करते हो सी वील बी गेटिंग अ शाउट आउट ऑन द चैनल दैट यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द क्रिएशन ऑफ दिस थिंग राइट ऑब्वियसली मैंने बनवाया बट शी मेड इट तो जहाँ पे भी आप फंसोगे मैं हेल्प हमेशा करूँगी ठीक है बट उसके लिए आपको इनिशिएटिव खुद से लेना पड़ेगा आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल सो डू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बाय फर नाव टेक केयर आई सू सून